आज उमर भाई की टीम की तबाही के लिए तस्वीर ले गए क्योंकि मैं अपना पिछले इतवार का गुस्सा निकाल कर ग्राउंड में काले जादू के लाइव मनाजर आपको दिखाए जाएंगे। सर मेरी बात ये भी नहीं कह सकते कि भाई जाओ तुसी हुण भाई जी उन्होंने नहीं कह सकते सानू कह दियो फिर जाओ ये देखिए आपकी आंखों के सामने कोई झूठ नहीं है। सही सही में भाई ने छलांग लगाई है, सही की रहा है, कोई झूठ नहीं है। वो जो उस ग्राउंड में तस्वीर और टोपी वाला मामला था वो यहाँ पे बरकरार है कि कैंसिल है? बरकरार है, ये टीम की तबाही फिरेगी। टर्मिनेटर 2 का सीन है जी, स्टील में उस्मान भाई, उस्मान भाई 36-37 चक ग्राउंड में इस वक्त पहुंच चुके हैं हम लोग जी। सूरत हाल ये है कि टीम के ज्यादातर लड़के इस वक्त गेड़ा करवा गए हैं, इस बारे में आपका क्या कहना है? नहीं जी, उमर भाई के साथ यही होना चाहिए। असल में आप हिस्ट्री नहीं जानते उमर भाई की, घरों में आग भी लगाते हैं, घर भी आड़ते भी हैं। ये मल्ले की वो खाल है जो बेग में भी नाराज करा देते हैं ये खपे गुड़नी। और आप यकीन करें कि जिस इंसान ने बेगम को नाराज किया ना वो जन्नत में नहीं जा सकता। अल्लाह अकबर, इतनी बड़ी बात। लास्ट संडे भी इस बंदे की वजह से मतलब हम दोनों मियां बीवी में थोड़ा सा क्लैश हो गया। ना नाश्ता मिला ना दोपहर की रोटी मिली। मैंने इसे कहा क्रिकेट खत्म कर दो, लड़के तो है नहीं, लेकिन ये बंदा अपनी बात पे बात पे नहीं आ रहा। बुढ़ापे में इसको क्रिकेट याद आ गई है, जवानी में सिगरेट पी रहा था। इसमें हमारा क्या कसूर है? नई नई शादी हुई है, लित्र पवाई जाता सानू जी। उमर भाई आप सिर्फ इतना बता दें लड़के का हाजिर क्यों है? तहलील कर दियो, छड़ दियो क्रिकेट, बस असेंबलियां तहलील करो, ला वारस मुल्क नूं इत्थे मार्शल ला लगन दियो। ये अगले इतवार तो आपा ना दोनों ने ना अहमद वालों चले जाए, बस जी डिसाइड हो गया है कि टीम ढूंढते हैं नहीं, उधर से खेलेंगे। ऐसी टीम पे पाओ मिट्टी मिट्टी। और अभी हमारे अपने लड़के पूरे नहीं हुए और दूसरी टीम भी अभी तक नहीं आई। नहीं, उनसे तो मैंने मैच कैंसिल किया था, लेकिन उमर भाई ने कहा कि आ जाओ, लेकिन मैं आज उमर भाई की टीम की तबाही के लिए तस्वीर ले गए क्योंकि मैं अपना पिछले इतवार का गुस्सा निकाल के रहूंगा। पहले भाई जन हम आउट करते थे, आज मैं उमर की टीम की तबाही उतारने के लिए आया हूँ। इंशाल्लाह ये अगले हफ्ते तक ये टीम खत्म हो जाएगी। ये तस्वीरें चलेंगी, दुआएं होंगी, आप देख लें इंशाल्लाह अगले इतवार के बाद ये टीम मैच नहीं खेलेगी, ये टीम फारिग हो जाएगी, ये टीम नेस्तनाबूद हो जाएगी, नेस्तनाबूद हो जाएगी, सफाई हस्ती से नाम मिटा दिया जाएगा इस टीम का इंशाल्लाह जी। आप लोग देखें मैच शुरू होगा, मैं उधर बैठूंगा, ये मैच भी नहीं जीतेंगे। ले जी ग्राउंड में काले जादू के लाइव मनाजर आपको दिखाए जाएंगे। सर मेरी बात सुने, काले जादू ना कर लिया, अगर यही बात कोई तीर कर दे ना तो हम लोग कहते हैं लो जनाब ये बड़ा पहुंचो, बड़ा पहुंचो बाबा, बाबा। और जब मेरी कोई बात सच होती है तो लोग कहते हैं काला इलम, काला हमारे साथ रहिएगा, लाइव आपको ग्राउंड में हर चीज आपको दिखाई जाएगी इंशाल्लाह। ये दूसरी टीम के कप्तान भाई आ चुके हैं ग्राउंड में, वो कह रहे हैं कि इस ग्राउंड में जगह नहीं है। फिर नहीं खेडते अपना बुक हुंदा वा पहले मैच, हुण आपां अचानक मैच रखिया ते इन्हां दे ना पहले दे मैच रखे हुए ने, फिर उन्हां नूं ये भी नहीं कह सकदे कि भाई जाओ तुसी हुण भाई जी, उन्होंने नहीं कह सकते सानू कह दियो फिर जाओ लो कप्तान हुण समझ जाओ। अपना बैग ते पानी खड़ा है उस्मान भाई काफी सारा, नहीं उस्मान भाई चला के आप देख के आए हैं भाई चलिए
उमर भाई के क्लोजअप दीजिएगा जरा कैमरे में देख के। वैस भाई कितनी देर लगनी है? देर ही लग रहा है भाई। भाई जी नवाज भाई ग्राउंड में बिल्कुल सही की। ग्राउंड में जो है कर दो मैच यार छोड़ ही दे। ग्राउंड में जो है अवेलेबिलिटी नहीं है खेलने के लिए। दूसरी टीम के कप्तान जो हैं वो चले गए हैं यहाँ से। हमें ये कह करके और ग्राउंड देखता हूँ। आपको क्या लगता है ये वापस आएंगे? नहीं जी आज मैं तो फिर बात वही है मैंने तो घर ही देखना भाई। आज के नसीबों में गालियां हैं। पिछली दफा सुमान भाई को ना नाश्ता मिला ना दोपहर का खाना मिला। रात को मिनते हुए रात को मिंतरला करके हमारी भाभी को मनाया शादी से पहले जैसे लेके आज तक की बंदा मुझे जरिए करवाया। अगले बड़े तेरे झंडे लगे थे साले अब लितर तू आगे भी खांदा रहे हैं। हमारी टीम की माया नाज ऑलराउंडर्स आ रहे हैं ग्राउंड में। क्या बात है जी बहुत खूबसूरत स्टील में सारे ये देखें जी आर्नल्ड ये है जी आर्नल्ड। लेकिन आरने ने बच्चा आगे बिठाया बच्चा ये बच्चा सेंटर में बैठा हुआ है। क्या है भाई वालेकुम अस्सलाम सुमान भाई जैकेट पता जेम्स बॉन्ड वाली नहीं अमर भाई आज नाश्ता नाश्ता चलेगा ये चीज उस ग्राउंड में जगह ना मिलने के बाद हम जा रहे हैं नए ग्राउंड की तरफ। ये देखें और ये भी देखें ये भी देखें ग्राउंड की तरफ हम लोग जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं ग्राउंड में हमें जगह मिल जाएगी। 6 ओवर का मैच खेलना होता है 200 असी पेट्रोल ज़ाया कर चुके हैं। बाकी देखते हैं इस ग्राउंड में जाकर हमारे साथ क्या होता है और क्या नहीं होता। सूरत हाल किस तरफ जाती है मामलात को देखना होगा। ये हमारे कप्तान उस्मान भाई इधर देखें हैं। बहरहाल ग्राउंड में पहुंचकर आपसे बात होती है। 36-37 के ग्राउंड से निकल कर हम लोग आ गए हैं 40-30 के ग्राउंड में। यहाँ पर ग्राउंड में पहुंच गए हैं। इस ग्राउंड में पहुंचने के बाद आपके क्या तासुरात हैं? ग्राउंड नवाज भाई आप नहीं जानते यहाँ पे बड़ी अच्छी लीग करवाई जाती है। रोज लाल साहब है इस वक्त तो मौजूद नहीं है लेकिन बहुत अच्छा है यहाँ पे इवेंट होता है वो वाला और विकेट भी अच्छी है। अब देखते हैं इंशाल्लाह ताला ग्राउंड भी आ गई हैं दोनों टीमें आ गई हैं लेकिन अभी उनके 8 खिलाड़ी बाकी हैं जिन्होंने आना है वो आएंगे तो फिर मैच शुरू होगा। तो वो जो उस ग्राउंड में तस्वीर और टोपी वाला मामला था वो यहाँ पे बरकरार है कि कैंसिल है? बरकरार है ये टीम की तबाही फिरेगी। बाहर हाल जी देखते हैं सूरत हाल किस तरफ जाती है। कितनी के देर सारी टीम की जानिब से बहुत अच्छी बॉलिंग की गई हमारे माया नास आर अंदर अमर भाई बहुत अच्छी बॉलिंग करके आए हैं। मुबारकबाद देना चाहेंगे। 5 ओवर में कितना टारगेट है कप्तान? 42 का टारगेट है बहुत अच्छी बॉलिंग। उस्मान भाई से मैं कहना चाहूंगा कि जो आपने टीम को बाहर करनी थी वो हमारी थी या मुखालिफ थी? नहीं मैंने यहाँ पे आके अपनी सेट में चेंज कर दिया था कि पहले मैच हम जीतेंगे दूसरा वो जीतेंगे। ओहो ये देखें आपकी आंखों के सामने कोई झूठ नहीं है। सही सही में भाई ने छलांग लगाई है सही गिरा है कोई झूठ नहीं है। परे हो जाओ सारे परे हो जाओ टीम आ गई भाई टीम आ गई यहाँ पे। इसके बाद एक और मैच होगा जी। अर्जेंट डिलीवरी हुई है जी। बैट्समैन हो चुके हैं तैयार नबील भाई जा रहे हैं और साथ जा रहे हैं खालिद भाई। राइट एंड लेफ्ट कॉम्बिनेशन कप्तान से पूछ लें क्या कहते हैं जी
नबील का नाम चले जी ठीक हो गया। किसी पहले ओवर में या दूसरे में जी कप्तान खेलन दो। चलो जी ठीक है और डन करो। ले जी पांच ओवर में 42 का टारगेट। सामना करेंगे नबील, बॉलिंग पर हैं अवैस भाई जो कि हैं एक ऑफ स्पिन बॉलर, बहुत अच्छी बॉल करते हैं, बॉल को ब्रेक करते हैं। एक बॉल हो चुकी है, कोई रन नहीं आया, 45 रन का ताकुब कर रहे हैं, देखना होगा। बॉल नंबर दो स्लोर वन और ये खेल दी उठाकर लेग की जानी विकिनन 6 रन। जी हाँ 6 रन, दो बॉल पर 6 रन आ चुके हैं। बॉल नंबर तीन करवाएंगे अवैस, सामना करेंगे नबील, फिर से ब्रेक और इजी सिंगल लेने की कोशिश लेकिन फील्डर मौजूद। हालत बेग बच गई है गेंद, तीन बॉल्स हो चुकी हैं, रन आ चुके हैं 7, ताकुब करना है सिर्फ 42 का। बहुत अच्छी बॉलिंग करवाई है हमारी टीम ने और बाहर निकल कर शॉट खेला और ये भी किरण खूबसूरत 6 रन। रन हो गए हैं टोटल 12। पहले ओवर में 12 रन आ चुके हैं, दो बॉल्स अभी भी बाकी हैं इस ओवर की और ये डॉट बॉल लास्ट बॉल है पहले ओवर की और ये भी डॉट बॉल हो गई है। रन आ गए हैं टोटल 12, एक ओवर मुकम्मल। ओवर नंबर दो का आगाज़ होने जा रहा है, 12 रन आ चुके हैं, 4 ओवर्स में 30 रन दरकार हैं जितने के लिए। खालिद आ चुके हैं बॉल बैटिंग पर और ये वाइट बॉल, एक रन आ गया है इस ओवर में बिना किसी बॉल के, टोटल रन हैं 13 और ये अच्छी बॉल, एक बॉल एक रन। बॉल नंबर दो करवाएंगे बॉलर खालिद हैं तैयार और ये वाइट बॉल, दो रन आ गए हैं इस ओवर में एक बॉल के नुकसान पर। बॉल नंबर दो और डॉट बॉल, सीधे बल्ले की शाटे हैं, खालिद भाई वलेटू फेरने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरे एंड से नबील भाई समझा रहे हैं खालिद को आराम से खेलें, जल्दबाजी ना करें और सीधी शॉट खेलने की कोशिश करें, कमाटू ना फेरें। दो बॉल्स हो चुकी हैं, दो रन आ चुके हैं बॉल नंबर तीन और फिर से वही गलती, तीन बॉल्स हो चुकी हैं, रन हैं सिर्फ 2, वो भी वाइड्स की सूरत में, एक्स्ट्रास की सूरत में और ये बचत हो गई, दो रन आ गए। वो देखें जी ग्राउंड में, ये देखें किसी ने को बकरा बकरा लेना हो कुर्बानी के लिए तो वो भी मिल सकता है आपको। और ये खालिद ने बिलाखिर को मेटू फेर दिया, बॉल गई इस तरफ और सिंगल। पांच बॉल्स हो चुकी हैं, रन्स भी 5 ही आए हैं इस ओवर में अब तक। लास्ट बॉल है, सामने आ गए हैं नबील भाई, लास्ट बॉल दूसरे ओवर के, यॉर्कर लेंथ बॉल, बहुत अच्छी बॉल करवाई और इसी के साथ एक सिंगल और मुकम्मल। रन्स इस ओवर में टोटल आ गए 6, बैठते हुए रन्स हो गए हैं 18, दो ओवर्स मुकम्मल। अवैस भाई कीपर आ चुके हैं पहला ओवर करवाने के बाद। ओवर नंबर 3 का आगाज़ होने जा रहा है, मुश्ताक जो कि लेफ्ट हैंडेड बॉलर हैं आगे हैं और नबील भाई ने लेग की जानब खेलकर 4 रन हासिल कर लिए हैं, बहुत अच्छी शॉट, 4 रन आ गए हैं इस ओवर में एक बॉल पर। बॉल नंबर 2 करवाएंगे मुश्ताक, सामना करेंगे नबील, जड़ों में बॉल करवाई यार कर फेंकी, दो बॉल्स, रन आए हैं इस ओवर में 4। तीसरी बॉल करेंगे मुश्ताक, सामना करेंगे नबील ऑफ की जानब और दो रन हासिल करने में कामयाब, तीन बॉल्स करवा चुके हैं मुश्ताक, रन दे चुके हैं 6। बॉल नंबर 4 जोड़ा में बॉल करवाई और बहुत खूबसूरत 6 रन स्ट्रेट के फील्डर्स के ऊपर से, रन टोटल हासिल कर लिए इस ओवर में 12। 4 बॉल्स करवा चुके हैं मुश्ताक, बॉल नंबर 5 करवाएंगे और उछाल दी है हवा में कैच की कॉल, फील्डर वहां पर मौजूद और कैच पकड़ लिया है, बहुत खूबसूरत 12 रन आ चुके हैं। लास्ट बॉल है ये अब तीसरे ओवर की, रन हो चुके हैं टोटल 30, 12 रन दरकार है,
लास्ट बॉल है ये, और कप्तान ने सामने खेल दिया है, फील्डर वहां पर मौजूद और कप्तान भी वापस चलते बने। दो ओवर्स बाकी और रन चाहिए 12 बॉल्स पर 12 रन दरकार। खालिद भाई इस वक्त विकेट पर मौजूद हैं, सीधे बल्ले से खेलते तो शायद अब तक स्कोर पूरा कर चुके होते, लेकिन वलेटू फेर रहे हैं। 30 रन हो चुके हैं जी, 12 बॉल्स पर 13 रन दरकार हैं, देखना होगा खालिद क्या करते हैं। और ये पहली बॉल, और पहली बॉल ही डॉट बॉल, एक बॉल हो चुकी है, डॉट की थी, दूसरी बॉल वाइड करवा दी, 12 रन दरकार हैं। अब दूसरी बॉल करवाएंगे बॉलर, सामना करेंगे खालिद, और ये खालिद बिलाखर कमेटू फेरने में कामयाब हो ही गए, और वो छत पर जाकर वजी बॉल। 6 रन बाकी हैं, 10 बॉल्स पर 6 रन दरकार हैं, देखना होगा कि इस ओवर में ही रन मुकम्मल हो जाएंगे या अगले ओवर में बात जाएगी। वाइड बॉल, 5 रन दरकार जीतने के लिए, 5 रन दरकार हैं। फुल ओहो, बहुत अच्छी यॉर्कर बॉल करवाई है भाई ने, बहुत ज़्यादा अच्छी यॉर्कर बॉल करवाई है। और ये हमारे टीम मेंबरान बैठे हुए डिस्कशंस कर रहे हैं, गप्पे मार रहे हैं। उस्मान भाई के पेशन गोई के मुताबिक पहला मैच जीतने के करीब हैं, और दूसरा मेरा ख्याल है मैच होगा ही नहीं। और खालिद भाई कमाटू फिर रहे हैं, कमाटा कभी चलता है कभी नहीं चलता। बहरहाल मैच जीतने के करीब हैं, उस्मान भाई से राय जानेंगे अगले मैच में क्या करना चाह रहे हैं। तो जो टीम को तबाह बर्बाद करने वाली जो बात थी वो अगली दफा। अच्छा टीम आठी ये टीम तबाह बर्बाद हुई पड़ी है। 5 रन दरकार हैं खालिद भाई, पता नहीं अब शाम को होने हैं या आज ही हो जाएंगे या कल होने हैं, कोई पता नहीं चल रहा। ये लें जी, बिलाखर कमाटू फेर दिया, फील्डर वहां पर मौजूद लेकिन बॉल नहीं पकड़ सके, इसी के साथ मैच खत्म, जीत गए हैं। ये था हमारा आज का मैच जो कि हम जीत चुके हैं। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।